पे उपस्थित हम सबके सम्मानीय नेता, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व में सदस्य श्री योगेंद्र पासवान जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के दानिश जी, अमित प्रकाश, बबलू जी और मीडिया के बहनों और भाइयों, साथियों, पिछले एक हफ्ते से बड़ा ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय समय बीता है। एक बिहारी होने के नाते हम सब शर्मसार हैं जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विधानसभा के फ्लोर पे लगातार भाषा की सभी स्थापित मर्यादाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। संवैधानिक आदर्शों को डेली बेसिस पे तोड़ा जा रहा है। जो नीतीश कुमार जी स्वयं को लोहिया जी का शिष्य बताते हैं, समाजवाद के नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने मां जानकी की भूमि, आम्रपाली की भूमि, उभय भारती की भूमि बिहार से महिलाओं के विषय में जो अमर्यादित टिप्पणी की है, अशोभनीय टिप्पणी की है, वो न सिर्फ दुखद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोहिया जी के नाम पे राजनीति तो करते हैं, लेकिन कभी उनके द्वारा दिया गया भाषण द्रौपदी और सावित्री को भी पढ़ने का कष्ट करिएगा। हद तो तब हो गई जब बिहार के विधानसभा के फ्लोर पे महादलित समुदाय से आने वाले, मूसर समाज से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में रहे श्री जीतन राम मांझी जी के लिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। आप सभी साथी इस बात से अवगत हैं, इसको कोई आइडिया है, इसको कोई सेंस है, ये शब्द थे उनके। साथियों, ये नव सामंतवाद का चेहरा है। नीतीश कुमार जी आज नव सामंतवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपके संज्ञान में दिया, सामंतवाद क्या होता है? जो महिलाओं के प्रति, माताओं बहनों के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे, जो समाज के वंचित हाशिए समाज के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे, ये नव सामंतवाद का नया चेहरा है। आज का जो नव सामंतवाद है, ये परिवारवाद और व्यक्तित्ववाद के संगम से बना है। ये महागठबंधन परिवारवाद और व्यक्तित्ववाद का संगम है, और यही कारण है कि बेलछी हो, लक्ष्मणपुर बाथे हो, जिन लोगों के शासन के समय दलित वंचित समाज के लोगों के साथ नृशंस, निरंकुश, नरसंहार, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग किया गया, उनके साथ आप सत्ता में बैठे हैं। नीतीश कुमार जी, आपके वर्गीकरण और विघटनकारी राजनीति से पूरा बिहार और पूरा देश अवगत है। हम सबको स्मरण है कि किस प्रकार से भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलितों के सर्वमान्य नेता, पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जीवित रहते हुए आपने अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 96 हो, 98 हो, 99 हो, बिहार के दलित समाज के बेटा के पास मौका था देश का नेतृत्व करने का, लेकिन यही सामंतवादी शक्ति, वो चाहे नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव जी हो, उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका। और साथियों, इसकी पृष्ठभूमि है, राम सुंदर दास जी का नाम आप सबके संज्ञान में होगा। राम सुंदर दास जी को मुख्यमंत्री बनना था,
लेकिन राजनीतिक एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके लालू यादव जी ने उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका। साथियों, हम सबको स्मरण करना है, कर्पूरी फॉर्मूला, मंडल 3.0, नया कर्पूरी आज स्वयं को घोषित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार को आज भी याद है, जब कर्पूरी फॉर्मूला लागू हुआ था तो आप देख सकते हैं कैलाशपति मिश्र जी, जिनके नाम से ये सभागार है, वो उस मंत्रालय में मंत्री थे और मजबूती से कर्पूरी फॉर्मूला के साथ उन्होंने समर्थन दिया था। साथियों, जिन लोगों के साथ ये नव सामंतवाद की जड़ें क्या है, नीतीश कुमार जी के हृदय में ये दलितों के प्रति नफरत का प्रकटीकरण है। नीतीश जी के हृदय में जो अंदर तक बैठी हुई दलित समाज के प्रति संवेदनहीनता और नफरत है, ये उसका प्रकटीकरण है। साथियों, मेरी मूर्खता के कारण तुम सीएम बने, अरे लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों के पास अधिकार होता है, और आपकी मूर्खता थी वो, आपकी मजबूरी थी। नीतीश कुमार जी, हम बताना चाहते हैं आपको, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों में सिमट गई थी, आपकी दुर्गति हो गई थी, और पॉलिटिकल चाल के तहत आपने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी और आप कहते हैं आपने एहसान किया था। साथियों, हमें सावधान रहना है, इन नव सामंतवादियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाबा साहेब अंबेडकर का हम सबको स्मरण आता है, बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि देश में राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन इस प्रकार ऐसे लोग सामाजिक लोकतंत्र कभी सिद्ध होने देंगे, स्थापित होने देंगे, मेरे मन में संदेह है, मेरे मन में शंका है। नीतीश कुमार जी, आप किस अहम में हैं? नीतीश कुमार जी, आप किस वहम में हैं? बिहार जानना चाहता है। साथियों, हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म विभूषण की बात हो तो मोदी जी के सरकार में ही संभव होता है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न कब मिलता है तो 40 वर्षों के बाद मिलता है, जब केंद्र में एक गैर कांग्रेस की सरकार बनती है जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है। तो कांग्रेसी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, ये नव सामंतियों का नया गठजोड़ है। साथियों, पिछले हफ्ते की बात है, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका बिल निरस्त कौन किया तो नीतीश कुमार जी करते हैं। आज नीतीश कुमार जी जिस तथाकथित इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको, राहुल गांधी जी कहते हैं कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में कितने सचिव हैं दलित समाज के, कितने सचिव हैं अनुसूचित जनजाति समाज के, कितने सचिव हैं ओबीसी समाज के। साथियों, जब भी वंचित, पिछड़ों और हाशियों की बात होती है, मैं शिक्षक हूं पेशे से, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आरक्षण लागू नहीं होता था, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर के लेवल पे 2019 में रोस्टर एक्ट बनता है, उसके बाद से आरक्षण लागू होता है। आज वाइस चांसलर्स हो, पद्म भूषण का अवार्ड हो, पद्मश्री का अवार्ड हो, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति भाई हल्दर नाग को मिलता है, भगीरथी देवी को मिलता है। संस्थानों में हिस्सेदारी कैसे मिलती है, भागीदारी कैसे मिलती है? देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है तो अब बैठी है। देश के इतिहास में पहली बार इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का, सामान्य परिवार का बेटा बनता है तो अब बनता है। लेकिन इन नव सामंतियों को यह बात पचती नहीं है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साथियों, हमें ध्यान रखना होगा कि दलित समाज के प्रति, अनुसूचित जनजाति समाज के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति पिछले 10 वर्षों में जो बुनियादी काम हुआ है उसे ध्यान रखने की बात। पिछड़ा वर्ग आयोग, पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो हमारे लोगों को बल मिला कि हमारे खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार करेगा संस्थानों में तो हम शिकायत करने जा सकते हैं। आज केंद्र सरकार में एक अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व की बात हो, केंद्र सरकार में संसद में महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, पहली बार पार्लियामेंट के इतिहास में साथियों
पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के अध्यक्ष ब्रिजलाल जी के रूप में एक दलित समाज का व्यक्ति बनता है। पहली बार एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष कोई दलित समाज का व्यक्ति विनोद सोनकर बनते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है तो अर्जुन मेघवाल जी अब बनते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े जितने भी स्थान हैं वो पर्यटन मात्र नहीं है, वो हमारे लिए तीर्थ का बराबर स्थान है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से सम्मानित करने का काम किया है। साथियों, ये समझने की आवश्यकता है, हमारी प्रतिबद्धता है। जब हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, तो हमारे लिए कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कमिटमेंट और प्रतिबद्धता का विषय है। लेकिन जानबूझ करके ये अहंकार है, ये वहम है नीतीश कुमार जी, इसको टूटना बहुत जरूरी है। आपके दिल में जो गहराइयों तक दलितों के प्रति ये नफरत बैठा हुआ है, महिलाएं सिर्फ आपके लिए बच्चा बनाने वाला मशीन रह गया है। जिस प्रकार का उनका जेस्चर था, जिस प्रकार का उनका व्यवहार था, यह सभ्य समाज में ऐसा होता है क्या? लेकिन साथियों, हमें समझना है, इनका ऐतिहासिक आकलन आप करेंगे। कुछ दिनों पहले मुझे अभी भी स्मरण है, तेजस्वी यादव जी क्या कहे थे, पशु पक्षी अनुसूचित जनजाति जनजाति का तो गिनती होता ही है, आप सबका गिनती कर दो। तो आपके दृष्टि में पशु पक्षी और अनुसूचित जाति जनजाति एक समान है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एससी एसटी जानवरों का गिनती तो होता है, तेजस्वी यादव जी का बयान है। साथियों, अब बहुत हो गया, ये नव सामंतवाद का जो चेहरा नीतीश कुमार जी ने समाजवाद और सामाजिक न्याय के नाम पे ओढ़ रखा है, तो मुझे मान्यवर कांशीराम जी याद आते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि ये हरा गाच में छिपा हुआ हरा सांप है, ये सामाजिक न्याय की आड़ में छिपा हुआ सामंतवाद है। जब मौका मिला आपको तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा, तो तेज प्रताप यादव बनेंगे। नेता विरोधी दल विधान परिषद में कौन बनेगा, तो राबड़ी देवी बनेंगी। राज्यसभा कौन जाएगा, तो मीसा भारती जाएंगी। आपके सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे ही अंत होती है। मैं तो आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में लालू जी की बहू भी किसी ना किसी सदन में पहुंचेगी या पार्टी की अध्यक्ष हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, कितने दलितों को लालू यादव जी ने या जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा भेजा है? उत्तर प्रदेश की बात करिए, तीन दलित समाज की महिलाएं आज वहां मंत्री बनती हैं। गुलाब देवी जी हो, बेबी मौर्य जी हो, विजय लक्ष्मी जी हो, ऐतिहासिक रूप से 12 अनुसूचित जाति के मंत्री, 9 अनुसूचित जनजाति के मंत्री, 27 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में आज ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए साथियों, हम सबको स्मरण रखना है कि जो नीतीश कुमार जी हरे गाछ में छिपे हुए हरे सांप के तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय का चोंगा ओढ़ करके नव सामंतवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को रोक रहे हैं, नरसंहार करने वाली शक्तियों को संरक्षण कर रहे हैं। हम सबको सावधान रहना है साथियों, नीतीश कुमार जी के इस दलित विरोधी चेहरे से, महिला विरोधी चेहरे से, पिछड़ा विरोधी चेहरे से, और साथ साथ जो पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा वंचित समाज के लिए, हाशिए के समाज के लिए, उसका भी ध्यान रखना है। साथियों, मैं आग्रह करूंगा, हम सबके साथ हमारे नेता श्री योगेंद्र पासवान हैं, वो भी आप सबके साथ कुछ विचार साझा करेंगे। मित्रों, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने न उम्र का ख्याल रखा और न संसदीय जीवन का ख्याल रखा, जीतनराम मांझी जी उम्र में भी बड़े हैं और संसदीय जीवन काल में भी वो बड़े हैं। 1980 में जीतनराम मांझी जी एमएलए बने थे और नीतीश कुमार जी 85 में बने थे, लेकिन इन्होंने मर्यादा का भी कोई ख्याल नहीं रखा। और नीतीश कुमार जी अहंकार से कहते हैं कि जीतन राम मांझी को हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नीतीश कुमार जी
आपने जीताराम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके एहसान करने का काम नहीं किया, आप शर्मिंदगी से बचने के लिए, लज्जित होने से बचने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ दो लोकसभा में सीट आया था 2014 में, तो प्रधानमंत्री जी के पास गुलदस्ता लेकर के एयरपोर्ट पर आपको जाना पड़ता, तो आपने शर्मिंदगी से बचने के लिए जीताराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, कोई एहसान नहीं किया था उन पर। यही नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी दलितों को अपमानित करते रहे हैं, उसी तरह से लालू यादव ने भी दलितों को अपमानित करने का काम किया है। आपके जेहन में होगा कि जब रमई राम को सोने का मुकुट मिलर हाई स्कूल के मैदान में दलितों के तरफ से दिया गया था, तो लालू यादव ने उनके सर पर से मुकुट उतरवाने का भी काम इन्हीं नकली समाजवादियों ने किया था। और मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के जो चाटुकार दलित मंत्री बैठे हुए हैं उनके साथ, तो वो भी, उनके पास तो राजनीतिक जमीन बची नहीं है, जमीन बेच करके नीतीश कुमार के साथ हैं, तो ऐसे लोग भी सावधान हो जाएं, आगे आने वाला दिन में आप सबों का, नकली समाजवादियों का चुन चुन करके बिहार की जनता और दलित समाज हिसाब करेगी। मित्रों, जिस तरह से नीतीश कुमार का अहंकार जितना भी उनकी निंदा की जाए वह कम है, नीतीश कुमार जैसा बिहार में आज तक कोई निर्लज मुख्यमंत्री नहीं हुआ, इन्होंने निर्लजता को भी पार कर दिया है नीतीश कुमार ने। मित्रों, आज बिहार की जनता कराह रही है इनके शासन से। और आपको यह बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार ने भी नीतीश कुमार ने जो जिस तरह से जीताराम मांझी जी को अपमानित करने का काम किया है, इस पर संज्ञान लेने का काम किया है। विधानसभा के अध्यक्ष और बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को इन पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी सिफारिश कर दी है। तो आज के अवसर पर जिस तरह से दलितों को, महादलित समाज को नीतीश कुमार जी ने प्रताड़ित करने का काम किया है, इस अपमान का बदला दलित समाज आगे आने वाला दिनों में नीतीश कुमार से लेने का काम करेगा। और जो 2024 और 25 में दलितों के हाथ में समय आने वाला है, उस समय बताने का काम करेगा, नीतीश कुमार जी को इस मोड़ पर छोड़ देगा और उनकी पार्टी जदयू को कि बिहार में मुंह दिखाने लायक जदयू और नीतीश कुमार नहीं रह जाएंगे।